आओ बेटा जी, आपको हम दिखाएं पोस्ट का माहौल कैसा होता है। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया इफ्तखार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? टीम कैसी चल रही है आपकी? ये ले बेटा, बेटा ये हमारी पोस्ट है। जब हमारे सीनियर्स कोई आते हैं ना ऐसे, तो फिर ये बुके शुके ये हमारी टीम उसको बुके बाकायदा प्रेजेंट करती है। माशाल्लाह। और उसके बाद ये हमारे ये एक बेटा ट्रक हमें दिया हुआ है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग को। अच्छा जी। इसमें काफी सारे काम हैं, मतलब खुदा ना खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा दरख्त गिर जाए, कोई रोड ब्लॉकेज हो जाए, तो ये बड़ी पावरफुल मशीन है। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की चेन्स लगी हुई हैं, खींचने वाली भी हैं, इसमें कटर भी हैं। अगर कोई बहुत बड़ी वो खराब हो जाती है बिलडोजर टाइप, हाँ जी, उससे भी कर लेगा ये? क्या बेटा, कुछ वजन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मतलब इसको चलो साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हाईवे पेट्रोल है ना, उनका पहला मकसद ये होता है कि ट्रैफिक रोड क्लियर हो जाए पहले, और खुदा ना खास्ता कोई जख्मी या कोई फंसा हुआ उसे हम रेस्क्यू कर सकें। और इसमें हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है कि ये जो ट्रक है, इस पोस्ट पे मेरे तकरीबन 25 तैनात हैं जवान, उन सबको ये हिदायत है कि इंचार्ज से लेकर और जो संतरी होता है ना, जो गेट गार्ड पे खड़ा है, हाँ। उस तक को ये ऑपरेट करना आना चाहिए। उसकी वजह ये है बेटा कि अगर खुदा ना खास्ता एमरजेंसी में जरूरत हो, नॉर्मली एक ही बंदा ऑपरेटर होता है, वो जी छुट्टी गया हुआ है, हाँ जी, वो चाबी उसके पास नहीं है, या पहले यहाँ से ये पेट्रोल डलवाने जा रहा है, तो हम सब ने ये किया हुआ है कि एक तो इसमें पेट्रोल पूरा होगा, एक ही हाफ सेल्फ स्टार्ट होगा, और हमारे इंचार्ज पोस्ट से लेकर संतरी तक इसको पूरा ऑपरेट करना आता है। इंचार्ज से स्टार्ट करके दिखाएं इसे, मतलब ये हमने ऐसे रखा है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को जरूरत पड़े तो विद इन मिनट्स हम जाके उनको रेस्क्यू कर सकें। और ये सारे इसमें ऑपरेशन के सारे हैं, बड़ी अच्छी है हमारे पास ये है। ये देख, हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गया, आप सिर्फ गेयर लगाना है, बाहर निकालना है और इसको हमने आगे ले जाना है। आइए मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं। ये बेटा हमारी पोस्ट का एक ये स्टैंडर्ड डिजाइन। अच्छा बेटा, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे लेडीज टीचर स्टाफ भी है, तो माशाल्लाह हमारी देखिए ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि कितनी डिफिकल्टी होती है यहां, क्योंकि सारे मर्द हजरात हैं, तो कुछ ऑपरेट नहीं, क्योंकि हमारा और ये पूरे पंजाब में इसी डिजाइन की पोस्ट है सारी, मतलब इस पंजाब पूरे पंजाब में, और ये तकरीबन हमारी 300-350 पोस्टें हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं। ये हमारे एक आईजी साहब थे, उन्होंने एक जाब्ते अखलाक बनाया था जावेद इकबाल साहब। अच्छा। तो हमारे बॉसेस ने कहा कि इसको आप बताएं कि इसमें ना सारी चीज है कि हमने कैसे काम करना है, मतलब जैसे कोई तबादले के लिए नहीं कहते कि तबादले के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल, बैरूनी असर रसूख इस्तेमाल नहीं करना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करना, मतलब हमें जिस तरीके से पुलिस वालों को कहा जाता है ना कि इख्तियारों का गलत इस्तेमाल, बेटा गलत है ना, नहीं करना। इसीलिए यहाँ पे ये सबको लगाया कि मेरे एक ऑफिसर से लेके मेरे कांस्टेबल तक को पता हो कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, हम लोग उसको कैसे यूज और मिस यूज करें। और हर पोस्ट पे एक फ्रिज हमारे मौजूद है, हर पोस्ट पे हमारे किचन मौजूद है जिसमें बाकायदा कुकिंग होती है, यस इट्स ऑपरेशनल, और इसमें बाकायदा इनका एक मेस मेन्यू होता है, मेस बनाया जाता है, उसके हिसाब से चलते हैं। इसी तरह ये हमारा एक वायरलेस रूम होता है, जैसे आपको बताया 11-24 पे कॉल आती है हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से, लेकिन अगर हमें कोई जिले पुलिस या कोई 15 पे कॉल करे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, इफ्तखार साहब ठीक ठाक है, अगर कोई 15 पे कॉल करता है जैसे पुलिस वालों को,
और हमारा कोई इलाका हो तो वो जो जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है वो वायरलेस पे इन्हें बताएगा, क्योंकि ये भी हर वक्त 24 घंटे से सुन रहे हैं। 24/7 ड्यूटी चेंज होती है। अच्छा। ये दो होते हैं ना बेटा, अच्छा। एक आते हैं फिर एक जाते हैं, ये आपस में रिप्लेस करते हैं। तो वो जो अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो वायरलेस पे ये फौरी वायरलेस पहले सुनेंगे, वो लॉग बुक उसमें एंट्री करेंगे और साथ साथ ये हमारी गाड़ी को इतला करेंगे कि भाई फलां जगह एक्सीडेंट हो गया है, अगर 11-24 हमें इन्फॉर्म पुलिस वालों को, मेरी अपनी हाँ जो पंजाब हाईवे की है, ठीक है। तो ये हमारा एक वायरलेस का निजाम भी होता है जो उसको ऐसे लेकर चलता है। हमारे ये तीन तीन जो हैं ये बेडरूम्स हैं, ये इनके यहाँ रिहायशी कमरे हैं, ये अच्छे कम्फर्टेबल कमरे हैं, हर उसमें चार जो हैं ये लगी हुई हैं, अपना बेड लगे हुए हैं और अच्छा है, रहने का निज़ाम बहुत अच्छा है। उसके बाद बेटा ये हमारी हवालात थी, लेकिन इधर कोई होता है बेटा यहाँ हम लोग, अब बेटा हमारी SOP है कि हम जो भी बंदा पकड़ते हैं उसको हम उधर भेज देते हैं थाने में, मुतलका थाने में। अच्छा। तो इसको नॉर्मल में इसको बेहतरीन हमने सिटिंग रूम बना लिया है, एक स्टडी रूम भी बना हुआ है, नमाज भी यहाँ पढ़ी जा सकती है, इसको हमने इस तरीके से ये किया हुआ है। ये हमारा होता है मुहर्रर का कमरा। किसका कमरा? जो रिकॉर्ड है ना बेटा, ये हमारा रिकॉर्ड रूम है। अच्छा। और पंजाब में सबसे पहले फैसलाबाद में जो हमारा रोजनामचा जिसे हम डेली डायरी कहते हैं वो ऑनलाइन है, जर्नल जिसमें सब लिखते जिसमें सब लिखते हैं, जिसमें हर चीज की जो भी आप दिन में कर रहे हैं, किसकी ड्यूटी शुरू हुई, किसकी ड्यूटी खत्म हुई, कौन छुट्टी पर गया, कौन खुदा ना खास्ता बीमार हो गया, वो तमाम पहले इसमें हाथ से लिखा जाता था, अब ये सारा ऑनलाइन है। सही। कि हम इसमें जो भी हमारे रजिस्टर सारे हैं, हमारे जो सामान है, हम जो लोगों को हेल्प्स कर रहे हैं, वो सब इसमें ऑनलाइन हो रही है। इसको बैठ के हमारे DIG साहब सब यहाँ बैठ के उसे देख सकते हैं। ये सब कंप्यूटर ये ऑनलाइन है और ये सेंट्रली लिंक्ड है हमारे तमाम कंप्यूटर्स के साथ। फिर ये इसके साथ हमारा जो है जो जैसे SHO साहब होते हैं जी, तो ये हमारे चौकी इंचार्ज का कमरा है, ये सब यानी सबसे जो यहाँ के सीनियर जो है ये उनका कमरा है, यहाँ बैठ के वो सारा मॉनिटर करते हैं। ये बेटा हमारी जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब हाईवे पेट्रोल का एक बीट एरिया होता है जी। अब ये पूरी बीट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जंग शुरू हो रही है, जहाँ हमारी बाउंड्री खत्म हो रही है वहां से डिस्ट्रिक्ट अब वो चिन्योट में हिस्सा बन गया, अब वो चिन्योट की यहाँ पे एक पोस्ट शुरू हो जाएगी, यानी ये पूरी सड़क कवर है हमारी सरगोधा तक। हम इस वक्त मौजूद है यहाँ दरमियान में, ये हम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये हमारा बाईपास जा रहा है। अब हम इस इलाके में पंजाब हाईवे पेट्रोल 24/7 पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये जो कलर्स हैं, ये बेटा जो कलर्स हैं ये मुख्तलिफ चीजों के, जैसे ये इसके गाइड बने हैं कि जो वाइट में है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये इसमें है पर्पल में दोज़ार बैंक्स, ये जो रेड में ये पेट्रोल पंप्स हैं। कि आपने देखना पेट्रोल पंप कहाँ पे रेड है, रेड ये नजर आ गया, ये अच्छा ये इतने पंप्स यहाँ बने। तो ये सारे गाइडलाइन होती है, इसे की बोलते हैं, जिसमें ये सारा आपका नजर आ रहा होता है। तो ये पापा ये हमारे हमें भी पता चल सकता है ऐसे किस चीज का बेटा, यानी अगर ऐप पे या आपकी वेबसाइट है उसमें हमें पता चले कि यहाँ यहाँ ये है, जैसे पेट्रोल फ्यूल खत्म हो जाता है। बेटा आपने सिर्फ उसमें डालना है अपना 1124 को कॉल कर लिया, बता देंगे वो सब बता देंगे। हमारे वैसे वेबसाइट भी मौजूद है, हमारे यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि जो हमारी सर्विसेज हैं, क्योंकि बेटा हमारी सर्विसेज थोड़ी सी आवाम तक पहुंच नहीं सकी। PHP ने बहुत काम किया, PHP ने बहुत काम किया बेटा, हमने इश्तहारी बहुत सारे पकड़े, लॉस्ट एंड फाउंड बच्चों को बहुत ज्यादा किया। अभी जो हमारे मौजूदा IG साहब हैं उन्होंने बेटा बहुत सारे काम किए, मतलब वेलफेयर के लिए ना बहुत सारे काम किए। ये हमारे IG साहब हैं उस्मान अनवर साहब जी, इनके जो वेलफेयर के बेटा प्रोजेक्ट है ना, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट कर दी। मतलब आप ये देखें जो ग्रेड 116 के पहले दो बेटियों की शादी पर ना 60,000 रुपए दिए जाते थे, 60,000 पर ईच डॉटर ना, अब वो बढ़ा के कर दिया गया, अब वो 1-1 लाख रुपए कर दिया गया। इस तरह तदफीन जब हमारा कोई मर जाता है बेचारा ड्यूटी के दौरान, तो हम उसे 50,000 रुपए देते थे तदफीन के चार्जेस, हाँ ना, वो भी 1 लाख रुपए कर दिया गया। इस तरह शोधा के पैकेज जो थे अब वो 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, फिर हम उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए, उसके बाद शहीद की फैमिली को उस पर नौकरियां दी, मतलब शहीद अगर कोई हो गया हमारा जवान उसका बेटा उसे उस क्लेम में नौकरी दी जाएगी। और दहशत गर्दी की सूरत होती थी ना, ऐसे बंदे जख्मी होते थे, तो हाँ पहले सिर्फ 10 लाख रुपए दिया जाता था, वो 25 लाख रुपए कर दिए, और अगर मेजर इंजरी होती है तो वो 30 लाख था जिसको 1 करोड़ रुपए कर दिया। और जैसे मेजर इंजरी में अच्छा कोई भी अल्लाह ना करे डिसेबल हो जाता है,
फिर क्रिमिनल के साथ लड़ाई में जैसे आम ये मुकाबले होते हैं, हाँ जी, पहले ये 30 लाख रुपए इसमें था, 10 लाख था वो 25 लाख रुपए, मतलब इस साल ये थ्रू आउट जो है ना बहुत ज्यादा काम किया गया। फिर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मुलाजमन के बच्चे हैं और बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए आईजी साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव दिए गए, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने काम कर रहे हैं अभी आपको इंशाल्लाह। जैसे बेटा कोई हीरिंग एड का प्रॉब्लम है, अभी हमारे पास वो आज थे, बुलाए थे हमने, हैं वो दोस्त, उनके इधर ऑफिस नहीं, फिर उनसे ज़रा मीटिंग करते हैं। ये देखें कैसा बीच में पाई बाग बना हुआ है, शायद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास इतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो 24 घंटे वो भी हमारी नौकरी पे होते हैं, लेकिन आप ये देखें कितना खूबसूरत लॉन है, एंड दीज आर वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे किचन गार्डनिंग भी हो रही है, किचन गार्डनिंग किधर? किचन गार्डनिंग इस तरफ है, जो प्लांट्स मैंने लगवाए ना, तकरीबन 5000 मैंने पौधे लगवाए पीएचपी में, सिर्फ इधर के पीएचपी सारे में, पीएचपी 51 पोस्ट है जो हमारी ना उन पे सब पे मैंने, क्योंकि बेटा हमारे जो है ना ये अब जो परिंदे है ना वो चले गए, परिंदे आते थे फ्रूट ट्रीज पे जी, तो अब हमने फ्रूट ट्रीज मैंने लगवाए तकरीबन 2 सालों में मैंने इन पोस्टों पे कोई 5000 पौधे लगवाए हैं, 100 पौधा पर पोस्ट ना, तो उसका फायदा ये होगा कि जब ये बड़े होंगे तो इस पे परिंदे तो फल खाने ही आते हैं ना, बिल्कुल, तो ये सारे अब ये जैसे किचन गार्डनिंग यहाँ पे हो रही है, तो ये नाम जो लिखे हुए हैं वो, हाँ बेटा हम पौधे लगा देते हैं और फिर उनकी केयर नहीं करते। अब जैसे ये पौधा है ना, ये हमने इस कांस्टेबल के नाम जो यहाँ पे ऑफिसर हमारे डेडिकेट कर दिया, हाँ जी, उसका ये होगा कि अब ये उसके जिम्मे के इस पौधे को उसने संभाल लिया, और अगर ये ट्रांसफर होकर यहाँ से जाएगा तो फिर जो दूसरा आएगा उसके जिम्मे ये लग जाएगा, सही, ताकि पौधों की ग्रोथ में कोई ये कोई ओनरशिप हो ना, इट्स ओनरशिप। इसी तरह ये अभी हमने जैसे देखा ये टॉयलेट का बना हुआ है, ये नीचे टॉयलेट है, इसी तरह का सेट एक ऊपर बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज भी हैं, फीमेल स्टाफ भी है, तो आईजी साहब ने उनकी जो है सेंक्टिटी को देखते हुए जो ऊपर वाला टॉयलेट है वो हमने मुख्तस कर दिया फॉर फीमेल्स ओनली, उसमें कोई मेल अच्छा, यहाँ है यानी पीएचपी में आ सकती है फीमेल, पीएचपी है बेटा, और हम और हमने उनके लिए मतलब उनके लिए उनके उनके बेडरूम्स भी ऊपर अलग हैं। अच्छा जी, क्योंकि पहले से बैरिक बोलते थे, मैंने कहा यार बैरिक नहीं, अब ये बेडरूम्स हैं, आप इन्हें घरों की तरह बनाए, उनको हमने अलहदा से फीमेल्स के बेडरूम्स भी अलहदा मुख्तस किए हुए, फीमेल्स के लिए जो टॉयलेट यूज करने वो भी अलहदा से मुख्तस किए हुए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, कैसे है? बोलता है तो ये कब से है, मतलब ये सर ये जब इसका ब्लांट हुआ है ना वहाँ, उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू हो गया स्पीच थेरेपी का, 2017 में इसका इम्प्लांट हुआ था, कोक्लियर इम्प्लांट इसको कहते हैं। तो ये पैदाइशी इसको इशू, हां जी ये पैदाइशी में समाप्त और बहुत अगुवाई से मैं, तो जब से ये आला इसका आप आए थे हमारे पास कि इसका आला खराब हो गया है, तो उसके बाद जब आपको आला नया लेके दिया गया तो क्या फीलिंग्स थी आपकी उसमें? बहुत ज्यादा सर मशहूर हैं सर आपके सर, ये बच्चा जो ना ये समाज सुनना शुरू कर दिया इसने, इसकी वालदा और हमारी फैमिली जो है ना सर बहुत खुश हुए हैं, चलें अल्लाह पाक ये था गहराइयों से मशहूर हैं सर। बेटा ये हमारे जवान हैं, मतलब हमारा ये है कि जब तक हम अपने जवानों के उनकी फैमिलीज की वेलफेयर नहीं बढ़ चढ़ कर करेंगे तो जाहिर है कि अब ये जया को एहसास है कि हमारे डिपार्टमेंट ने मेरे बेटे की मदद की है, तो वो ये मेरे पास आए थे, जब आए थे काफ़ी परेशान थे कि जी वो आला नया नहीं मिल रहा तो डिस्टर्बेंस है, तो जाहिर है आजकल इस हालात में फिर इतना प्यारा माशाल्लाह बच्चा, मुझे लग रहा है कल कोई अफसर बनेगा इंशाल्लाह है, अब ये ही कैन हियर प्रॉपरली, अब प्रॉपर सुन रहा है वो, जी सर बिल्कुल प्रॉपर सुन रहा है, इसकी सर सिर्फ 2 बैटरियों 3 बैटरियां दी थी उन्होंने, अच्छा वो चार्ज होती हैं, ठीक है, वो असल में 3-4 माह वो बंद पड़ा रहा है, वो एक्सपायर हो गई है, अच्छा एक बैटरी सिर्फ चलती है वो 10 घंटे से ठीक है काम करती है, उसके बाद फिर वो, तो बैटरी कहाँ से आएगी आप बताएं हमको, बैटरी अरेंज करके से मिलेगी वो लाहौर से, आप मुझे बताएं बैटरी अरेंज करते हैं इंशाल्लाह, इसकी अपना ये नोट करें भाई जो बैटरी इंशाल्लाह हम लेंगे ताकि हमारा बेटा, डॉलर में करते हैं सर वो $550 था इसका जो रिपेयर करवाया था सर आपने, तो काफी पैसे बन, आप तो डॉलर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं हमारे बेटे से कीमती नहीं होगी इंशाल्लाह, हम जो भी है ताकि ये
24 घंटे हमारी बातें सुने। सर यकीन करें, हमारी फैमिली सर बहुत दुआएं करती है, हमारे छोटे बेटियां हैं दो। अच्छा माशाल्लाह, और ये भी अल्लाह उनके नेक नसीब करे, उन्हें खुश रखे। तालीमी को शुरू कराया, टू क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा, टू में पढ़। एबीसी सुनाओ सर, एबीसी सुनाओ। ए बी सी डी जी एफ जी एच आई के ए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एच पी जे। ओ शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन, शाबाश। एक दो तीन सुनाओ। ये दो तीन शाबाश शाबाश चार बार के छोटे पतना चला का हुई फिश। अभी जबरदस्त जबरदस्त भाई, माशाल्लाह, ये तो यार टू गुड हैं। शाबाश शाबाश। ये उसने उसके आया पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया, पेट्रोलिंग पुलिस बकोड़े विश जो हमारी हमेशा की रूटीन है। आए बेटा, एक पौधा भी यहाँ प्लांट करते हैं। आए शाबाश। तार से बच के बेटे। अच्छा, ये मैं तो प्लांट ट्रीज को प्रेफर करता हूँ, जिसपे जिस फ्रूट वाले ट्रीज को। ये कौन सा है? फूलों वाले। चलो, फूलों की भी जरूरत है, लेकिन कोशिश करनी है हमने फ्रूट ट्रीज ज्यादा लगाने हैं। बेटा लगाई रखी उठा के। सर तो अब ये आप लगा रहे हैं, तो आप इसकी टेक केयर करेंगे ना? हाँ, वैसे करनी तो मुझे चाहिए आके। तो पापा करते हैं, आके पानी शानी देते हैं। बेटा मैं पूछता हूँ ना, मतलब मैं वीडियो कॉल पे, वैसे सवाल सही है कि अगर ये मेरे नाम का लगा हुआ है तो आप ही करेंगे ना। मस्ट बी केयरफुल फॉर दिस वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। असल बेटा ये सब अल्लाह मियाँ की सना करते हैं। आपको पता ना, कब्रिस्तान में भी इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये जो जब जो भी पत्ता है ना, ये भी अल्लाह की सना कर, तारीफ कर। और मैं हमेशा अपनी फोर्स को, अपने जवानों को एक बात ये कहता हूँ कि आप जब भी अपनी किसी भी चीज़ का आगाज करें, आपको भी जैसे मैं कहता हूँ, याद है ना? हाँ जी, कि जब भी अल्लाह और रसूल का नाम जरूर लें। क्यों? घर में दाखिल होते हुए भी। घर में दाखिल होते तो बरकतें होती हैं। अगर आप जो भी घर में कोई भी निशिस शुरू कर रहे हैं, जैसे ये पेट्रोलिंग शुरू करते हैं, थाने आते हैं, ऑफिस आते हैं, बेटा एक ना फरिश्तों का गुरु एक फिर रहा होता है आसमानों में, जहाँ अल्लाह और उसके नबी का जिक्र होता है, वो उतर के आके बैठ जाते हैं। अब अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र इनसे कर रहा हूँ, कोई हदीस सुना रहा हूँ, कोई अच्छी बात सुना रहा हूँ, कोई तिलावत कर रहा हूँ, तो फरिश्ते आके यहाँ बैठ जाएंगे, हमारी बातें सुनेंगे, फिर वो अल्लाह मियाँ के पास जाएंगे और उन्हें बता, अल्लाह मियाँ को तो सब पता है, फिर वो कहेंगे अल्लाह मियाँ मैं गया था वहाँ पे, फलां फलां हम लोग गए थे तो आपका जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह मियाँ बहुत मेहरबान है। वो कहेंगे अच्छा, मेरा और मेरे नबी महबूब का जिक्र कर रहे थे, चलो मैंने उन्हें बख्श दिया। तो उनमें एक फरिश्ता ऐसे भी कहेंगे कि वहाँ ना मिर्जा अंजुम कमाल भी मौजूद था, वो बैठा तो उन लोगों में था लेकिन मोबाइल पे लगा हुआ था, वो उनकी बात सुन नहीं रहा था आपके और आपके नबी की। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं, मुस्कुराएंगे और कहेंगे बैठा तो उन नेक लोगों में ही था ना। हाँ जी बैठा, चलो मैंने उससे भी बख्श दिया। तो बेटा नेक लोगों की कंपनी, अल्लाह और रसूल के नाम से अपने कामों का आगाज़, ये बेटा बाईस से बरकत होता है। अब जैसे हमारी फील्ड है, हम लोग देखे ना, ये सब लोग खड़े हुए हैं, वो चारा वो ये जो जैकेट पहने होते हैं बेटा, ठीक ठाक भारी होती है। हाँ जी, लेकिन चूंकि इन पे जिम्मेदारी है इस पूरी पोस्ट की सिक्योरिटी की ना, क्योंकि खुदा ना खासा कोई आएगा, सबसे पहले वो इनसे इंटरेक्शन होगा ना, इनको जरूरी है ये पहनना। अब इन सब के बीवी बच्चे हैं, ईद की छुट्टियाँ होती हैं, मुहर्रम की छुट्टियाँ होती हैं, सब प्लान कर रहे होते हैं और हम सब ड्यूटी कर रहे होते हैं, हम सब सड़कों पर होते हैं, बल्कि मुहर्रम में और जो त्यौहार होते हैं उसमें हमारी ज्यादा ड्यूटियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसी है, आप लोग हम तो कहीं जा ही नहीं पाते जी। ये मेरे बच्चे प्लान करते हैं जी कि पापा आ रही है, मुहर्रम आ रहा है तो चले हमें कहीं लेके चले। मैं कहा बेटा अब तुम्हारी ज्यादा सख्त ड्यूटी है, अब आपको अंदाजा हो गया कि मैं अकेला नहीं होता बेटा, ये पूरी मेरी टीम है। बल्कि सिर्फ हम नहीं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गई, मोटरवे पुलिस हो गई, कोई पुलिस आप छुट्टी पर नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। वी आर 24/7 इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। आप सबसे भी दुआ है जो आपके प्रोग्राम के थ्रू लोग हमें देख रहे हैं कि हम सब आपके हैं
और अगर आपको हम सिर्फ वायलेशन पे कोई सज़ा देते हैं या चलान करते हैं तो उसमें हमारा कसूर नहीं होता। और हेलमेट के हवाले से आज फिर मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे गुजारिश करूँगा कि फॉर गॉड से हेलमेट पहने बहुत ज़रूरी है। अभी एक दिन पहले हमारे बड़े खूबसूरत इंस्पेक्टर साहब थे, वो एक ऑफिस से निकले हैं, सिर्फ 10 या 12 की स्पीड होगी मोटरसाइकिल की, सिर्फ यानी वॉकिंग स्पीड पे थे, एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, वो सड़क पे गिरे हैं, आगे से रक्षे का कोई पायदान लगा है, उनका पूरा यहाँ से दिमाग उसने उड़ा दिया और वो मौके पे उनकी डेथ हो गई है। तो प्लीज़ अपनी जानों से मत खेलें, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हेलमेट से बड़ी चीज़ ही कोई नहीं। तो बेटा आप भी कभी किसी प्रोग्राम करें, आप भी माशाल्लाह इन्फ्लुएंशियल्स हैं, ये ज़रूर बताएं कि हेलमेट और कारों में सीट बेल्ट ये मस्ट इस्तेमाल करें। और कुछ आपने पूछना है हमारे सवाल से? नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। चलो आज हमने आपको कोशिश किया कि आपको पूरा पीएचपी के बारे में, बहुत अच्छा रहा, आपको अच्छा लगा हमारा पीएचपी का बहुत काम? अच्छा, चलें दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।